छत्तीसगढ़ सरकार के कुपोषण मुक्ति की पहल पर राज्य में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को अब 3 साल पूरा होने को है और प्रदेश के अंतिम छोर कोंटा में इस अभियान के सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। जबरदस्ती स्वास्थ्य बच्चों को केंद्र लाकर कुपोषण घोषित किया जाता है और 4-5 दिनों में वापस बच्चों को घर भेज दिया जाता है। बच्चों का वजन 20 किलोग्राम 16 किलोग्राम तक रहने के बावजूद भी कुपोषण दर में जोड़ना प्रदेश भर के कुपोषण को संख्या में इजाफा करना है, जिससे प्रदेश की बस्तर और प्रदेश की छवि खराब हो रही है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कोंटा में बंडा मेहता मार्ग पर मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र खोला गया है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ग्रामीण क्षेत्र के 1 साल से 5 साल तक के हर बच्चों को लाकर जबरन कुपोषित घोषित किया जा रहा है और कोई कार्यकर्ता अगर कुपोषित बच्चों को नहीं लाती तो उनका तनख्वाह काटने की धमकी दिया जाता है। परिजनों ने बताया, हमारे बच्चों को गाँव में जबरदस्ती लाया जाता है और यहाँ ना तो नहाने का साबुन दिया जाता है, ना ही मुंह धोने का ब्रश, ना मंजन दिया जाता है। यहाँ सोने के लिए गद्दे फटे हैं और चादर भी गंदी है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार आगामी 3 वर्षों में राज्य के कुपोषण मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और अन्य विभागों का समन्वित प्रयास किया है, लेकिन क्या इस प्रकार जबरन स्वास्थ्य बच्चों को बीमार घोषित करना और प्रदेश के कुपोषण के आंकड़े बिगाड़ कर जिले का नाम खराब करना सही है? अभी अगस्त माह में लगभग 35 से ज्यादा बच्चों को कुपोषण बनाकर उनका इलाज किया गया है और खास बात यह है कि यहां ना तो डॉक्टर आते हैं ना ही कोई अधिकारी। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।